करीब एक हफ्ते से विवादों में घिरे मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कृपा शंकर सिंह आज सुबह सुबह मुंबई पहुंच गए। आय से अधिक संपत्ति के मामले में कल आर्थिक अपराध शाखा ने उनके ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की थी। बाली हिल में बंगले तरंग की सीलिंग के दौरान कृपा शंकर के बेटे नरेंद्र ने मीडिया की तरफ अश्लील इशारा किया था। आज कृपा शंकर जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरे उन्होंने पत्रकारों के सामने अपनी सफाई दी, हालांकि वो कैमरे के सामने नहीं आए। कृपा शंकर ने अपने बयान में कहा, मैं कहीं भागा नहीं हूं, फिलहाल जांच चल रही है, मैं इसमें पूरा सहयोग करूं, इसलिए जांच पूरी होने तक मीडिया से बात नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे बेटे ने कुछ गलत किया है तो मैं इसके लिए माफी चाहता हूं। मैं निर्दोष हूं, अदालत में अपनी लड़ाई लड़ूंगा, अभी सिर्फ जांच हो रही है, कुछ साबित नहीं हुआ है, कृपया मुझे अपराधी की श्रेणी में न रखें।